बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में मैंने शेफून दुपट्टे के ऊपर सिल्क शामूस की डोरी पाइपिंग लगाना आप सबको बताई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप मज़ीद डिटेल के साथ हमें बता दें कि हमारे दुपट्टे में झोल क्यों आ रहा है और सरवट क्यों आ रही है। आपने लगाई है वो तो बिल्कुल ठीक है, हम लगा रहे हैं तो उसमें झोल आ रहा है। तो मैंने मज़ीद आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाने का सोचा, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगी, आप गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह अब कोई झोल कोई सरवट नहीं आएगी। तो ये है शेफून, प्योर शेफून का दुपट्टा है और ये थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादा खींचातानी हम नहीं करेंगे इसके साथ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है सिल्क शामूस, और ये भी बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करता है कपड़े के ऊपर पाइपिंग लगने में, और इसके ऊपर इसकी पाइपिंग, तो बहुत ही एहतियात के साथ काम लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पट्टियों की कि हमें कितना कपड़ा चाहिए और कितनी हमें पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो मैंने जो सिल्क शामूस लिया है वो मैंने आधा गज़ लिया है, और आधा गज़ आप सब जानते होंगे कि उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने उसकी आड़ी पट्टियाँ निकाल ली हैं। मैंने इसकी ढाई ढाई इंच की पट्टियाँ, पाँच पट्टियाँ कट की हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई है। तो मैंने ये पाँच पट्टियाँ कट की हैं, अब हम इनके लगाएंगे जोड़। जोड़ लगाने के बाद मैं आपको पाइपिंग का तरीका बताऊंगी, और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि अगर आप सब चाहते हैं कि पाइपिंग इस साइड से स्टार्ट करें, यानी कि ये जो इसके ऊपर डिज़ाइन आ रहा है सिर्फ ये शो हो, तो ठीक है आप इसके साथ भी कर सकते हैं, मगर ये जो काम हुआ हुआ है वर्क, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, गोल्ड में है, आपका दुपट्टा ठीक नहीं बनेगा। आपने पाइपिंग स्टार्ट करनी है इस साइड से, यानी कि थोड़ा जो सादा कपड़ा है, और इसकी कनी थी, कनी मैंने निकाल दी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया है, तो इसीलिए फिर वाजह रहे कि मैंने कनी इसकी निकाल दी है, ये बगैर कनी के हो गया है। तो जोड़ लगाने के लिए ये जो कनी है हम इस कनी को दबा देंगे। और इसका एक्स्ट्रा कट कर देंगे, और अब इसकी सिलाई बिठाने के लिए प्रेस से सिलाई बिठा देंगे। इसी तरह मैं पांचों पट्टियों को जोड़ लूँगी। डोरी पाइपिंग करने से पहले सबसे पहले हम शमा डोरी में एक गिठान लगाएंगे, इससे हमारी डोरी पाइपिंग निकलेगी नहीं। और इस तरह अगर हम गिठान नहीं लगाएंगे तो ये तिलक के निकल जाएगी, इसको मजबूत करने के लिए गिठान लगाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल देंगे हम। आपने इन दोनों में से किसी को भी खींचना नहीं है, ना ही हम इस कपड़े को खींचेंगे और ना ही हम अपनी पाइपिंग को खींचेंगे। दोनों में से किसी भी एक चीज़ को खींचेंगे तो हमारे दुपट्टे में झोल आ जाएगा, यानी कि नम आ जाएगी। और कितनी देखें स्मूथली हमारी डोरी पाइपिंग लग रही है। तो यहाँ हमारे दुपट्टे की एक साइड कंप्लीट हो गई है, और अब आप देखिएगा मैं कोना किस तरह बनाऊंगी। कोना बनाने के लिए इस पट्टी को, डोरी पाइपिंग को इस तरह पलट देंगे, इस तरह कोना आप बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट आपका कोना बनेगा।
तो मैंने दुपट्टे की चारों तरफ पाइपिंग लगा ली है। अब हम आ गए हैं सिरे पर और इसका सिरा हम किस तरह बनाएंगे वो आप गौर से देखिएगा। इसका कोना बनाने के लिए इस वाली पट्टी को हम इसके नीचे कर देंगे। अब हम इसे करेंगे प्रेस, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेस हम हल्के हाथ से करेंगे और एहतियात रहे कि आपकी प्रेस हल्की होनी चाहिए, आपका शिफॉन दुपट्टा या सिल्क शामूस जले नहीं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, फौरन से ही इस्त्री इसको पकड़ लेती है। इसी तरह पूरे दुपट्टे पे मैं प्रेस कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसको फाइनल सिलाई लगाने के लिए हम इसकी इस पट्टी को हल्का सा कट करेंगे और जितना हमें दबाव रखना है इसे हम इस तरह टर्न कर देंगे। आसानी के लिए आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। मैं इस पर हल्की सी सिलाई लगाऊंगी, बस दो टांगे, मुझे सिर्फ इसकी क्रिस्प बनानी थी। क्रिस कहते हैं इसके मोड़ने को, यानी कि जो हम डबल टे करते हैं। आप चाहें तो उसको प्रेस भी कर सकते हैं, पिनअप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दो टाके लगाए हैं जिससे ये पट्टी मेरी बैठ जाए इस तरह। और इसके बाद हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। और इसी तरह मैं पूरे दुपट्टे में सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने इसका एक साइड कंप्लीट कर लिया है और सफाई आपके सामने है, कहीं पर कोई भी झोल कोई भी सर्वट नहीं आई। इसी तरह मैं अपना पूरा दुपट्टा कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने चारों कोने बना लिए हैं और दुपट्टे को भी नीट कर लिया है। अब मैं करूँगी इसे तुरपाई, यानी कि इसके जो कोने हैं उन्हें नीट करूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको तुरपाई करें। तो मैंने इसका कोना तुरपाई कर लिया है। आपने भी इसके चारों कोने इसी तरह तुरपाई करनी है। आपने इस पर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि सिलाई लगाने से इसकी सारी फिनिशिंग जो है वो आउट हो जाएगी। तो मेरा दुपट्टा बन गया है, इस पर तुरपाई भी हो गई है, प्रेसिंग भी हो गई है और आपके सामने है शिफॉन दुपट्टा। मैंने कितनी ही सफाई के साथ बनाया है, आप सबको भी सिखाया है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने सेम कलर पर सेम ही कलर की पाइपिंग लगाई है, तो ऐसा नहीं है, ये कंट्रास्ट है। इसका जो ड्रेस है वो लाइट है, तो इसीलिए जो पाइपिंग इसके ड्रेस पर होगी वही पाइपिंग हमने इस पर की है। आप चाहें तो गोल्डन पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कंट्रास्ट है, इसीलिए मैंने सेम कलर का यूज़ किया है। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट करा था कि हमसे पाइपिंग में या लैस में झोल आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जिस तरह आपको बताया है उससे आपका झोल नहीं आएगा, देखें कहीं पर भी कोई झोल नहीं है। उम्मीद करूंगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं इस ड्रेस का कि ये किस तरह बना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर आप जाएं क्लिक करें और इसकी फुल डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। आप सब लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप सब जानते होंगे स्टिचिंग में बहुत मेहनत होती है, खासकर ऐसे ड्रेसेस में तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई सीख सकता है घर बैठे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो
मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, आप लोगों की मोहब्बत होगी, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। फिर मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।